अस्सलामु अलैकुम। शॉर्टकट रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज की रेसिपी है चिकन पुलाव, जो कि मैंने बहुत ही आसानी से बनाने का तरीका आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, इसे मतलब झटपट बन जाएगी। इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं चाहिए, और घर में जो इंग्रेडिएंट हमारे नॉर्मली होते हैं उनसे हम अच्छे से टेस्टी भी पुलाव बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ हमें पुलाव बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो है आधा किलो राइस लिया है। ठीक है, ये 100 रुपीज़ वाला राइस है, माधुरी राइस। आप अपना जैसा आप यूज़ कर सकते हैं वो राइस आप ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने दिया है 1/2 kg चिकन, बोन वाला चिकन है ये, विद बोन मैंने लिया है। यहाँ पर मैंने मसालों में जैसे यहाँ पर लिया है मैंने दो बड़े प्याज लिए मैंने, जिसको मैंने ऐसे फाइनली चॉप कर लिया है। ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने लिया है 120 ग्राम्स दही है, ये एक कटोरी दही है, मेजरमेंट के हिसाब से 120 ग्राम है। मसाले में मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और जो हमें बघारने के लिए चाहिए होगा, ये साबुत मसाला मैंने लिया है, यहाँ पर लौंग लिया है, 6 से 7 लौंग है, 10 से 15 काली मिरी है, 1 टेबल स्पून मैंने शाह जीरा लिया है, 2 टुकड़ा दालचीनी का है, और ये 3 से 4 तेज़पत्ता मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 5 से 6 हरी मिर्च लिया है, जिसको मैंने ऐसा ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया है ये जावित्री और जायफल को मैंने ऐसे बारीक बारीक सा दरदरा सा मैंने क्रश कर लिया है इसको। ठीक है, और यही मसाले के साथ आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से हमारा चिकन पुलाव बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं पुलाव बनाना। यहाँ पर मैंने पतीली ले लिया, यहाँ पर हम तेल ऐड करेंगे। तेल ऐड करेंगे हम 10 to 12 टेबल स्पून हम इसमें तेल ऐड करेंगे। अगर आप प्रेफर कर रहे हो घी में बनाना, बिकॉज बहुत से लोग पुलाव जो है घी में प्रेफर करते हैं और उसका टेस्ट भी अलग आता है। जिनको घी पसंद है तो वो घी से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो हम इसमें तेल ऐड करेंगे 10 to 12 टेबल स्पून। ठीक है, तेल हमारा गरम हो रहा है। जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा तो वैसे ही हम इसमें हमारे जो गरम मसाले, जैसा खड़ा गरम मसाला था, ये हम इसमें एक मिनट के लिए सौते कर लेंगे। फिर हम प्याज ऐड करेंगे, तो तेल को थोड़ा अच्छे से गरम कर लेंगे। जैसे ही हमारे बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तेल गरम हो जाएगा, गरम मसाला डाल के हम तुरंत इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। और प्याज को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, गोल्डन फ्राई। जैसे ही हमारा फ्राई प्याज फ्राई होने लगेगा तो वैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हाँ, अगर आपको पुलाव में जैसे आलू पसंद है, आपको अगर आलू ऐड करना है आपको, तो आप क्या कीजिएगा, पहले जैसे तेल गर्म होता है ना, तो आप आलू फ्राई करके निकाल लीजिएगा, क्योंकि फ्राई आलू के जो टेस्ट होता है वो पुलाव में अलग ही आता है। ठीक है, अगर आप आलू यूज़ कर रहे हो तो आप पहले तेल में आलू फ्राई करके निकाल लीजिए, फिर आप गरम मसाला ऐड करिए और फिर प्याज ऐड कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम प्याज को अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसी स्टेज पे अभी हमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ज़रा सा हमें पानी सा ऐड कर लेना है, ताकि हमारा प्याज जो है आगे और लाल ना हो। टेबलस्पून हमें इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये अच्छे से हमें अदरक और लहसुन को पेस्ट को जो अच्छे से भून लेना है, उसका पूरा कच्चापन हमें निकालें तक इसे भूनना है। तो ये देखिए अदरक लहसुन हमारा अच्छे से भून चुका है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, जो हमने अच्छे से वॉश करके रखा है। ये चिकन हम
अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। पानी नहीं डालना है, बस एक एक चिकन उठा के अच्छे से आपको डालना है इसमें। फ्लेम थोड़ी हाई रख लेना है। चिकन को हमें अच्छे से 3 से 4 मिनट तक का फ्राई करना है, जब तक चिकन का कलर चेंज हो जाता है 3-4 मिनट में, फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, जो हमने अच्छा सा पेस्ट बना लिया था इसका। इसमें हम ऐड करेंगे नमक एंड धनिया। ये जो मैंने जायफल और ये जावित्री का जो फाइन पेस्ट बना दिया था दरदरा सा, ये बता देती हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए, अच्छे से मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, मसाला माशाल्लाह से हमारा अच्छे से भून रहा है। अभी इसे 2 से 3 मिनट हम भूनेंगे। ठीक है, इसे भूनने के बाद में हम इसमें दही ऐड करेंगे। पहले इसको 2 से 3 मिनट हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। फ्लेम थोड़ा हम लो रखेंगे, बिकॉज हमने इसमें पानी वानी ऐड नहीं किया है ना, तो जस्ट हमें 2 से 3 मिनट भूनने के लिए हमें हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, हम लो फ्लेम पे। तो देखिए मसाला अच्छे से हमारा भून गया है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे दही। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को हाई कर लेंगे। मसाला देखिए हमारा अच्छे से भून रहा है। ठीक है, दही के साथ हमें इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेना है। दही का जो भी पानी रहेगा हमें इसे सुखा लेना है। ठीक है, इसे हमें मीडियम फ्लेम पे जो है भूनना है। ठीक है, हाई रखोगे तो नीचे लगेगा और लो रखोगे तो थोड़ा कम भुने जाएगा, स्लो होगा। तो हमें इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। देखिए माशाल्लाह से हमारा चिकन जो है दही के साथ अच्छे से पूरा भून गया है, मसाला हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे जो हमने अच्छे से भिगा के रखा है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसमें चावल अभी ऐड कर लिया है। तो चावल आप पानी जो ऐड करोगे ना चावल में, तो बहुत ही ध्यान से आप ऐड कीजिएगा, बिकॉज कैसे हमने चावल जो है अच्छे से इसको सोक कर लिया था 1/2 आवर के ऊपर। ठीक है, तो चावल में हमें पानी उतना नहीं लगेगा, बिकॉज अगर हम चावल को नहीं सोखते नहीं भिगा के रखते तो चावल में पानी की क्वांटिटी हम थोड़ा बढ़ा लेते, लेकिन ये चावल हमने पहले से ही भिगाया था तो चावल में पानी हमें कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मैंने यहाँ पर करीबन 1 से 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगर आप चावल पहले से नहीं भिगा रहे तो आप पानी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा लेना, अगर बाद में हमें थोड़ी जरूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा और ऐड कर लेंगे, लेकिन पानी अभी मैंने इसमें ऐड कर लिया है, इसमें हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी मुझे नमक थोड़ा कम लगा था तो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक थोड़ा ऐड कर लिया है। ठीक है, आप भी इस टाइम पे ये मोमेंट पे आप एक बार नमक टेस्ट कर लीजिएगा, आपको कम लगता है तो आप ऐड कर दीजिएगा। हमें 1 उबाल आए तक का इसे वेट करना है, जैसे 1 उबाल आ जाता है हमारा तो हम इसे लो फ्लेम पे पका लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम उबाल आने का वेट कर लेते हैं। ये देखिए चावल में हमारा अच्छे से बॉईल आ चुका है। ठीक है, अंदर से चावल हमारा अच्छे से पक चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 50% तो पक गया होगा। तो अभी इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम लो कर देना है और अभी हमें इसमें ढक्कन लगा देना है। ठीक है,
यहाँ पर हमने अच्छे से हिला लिया है चावल को, और फ्लेम मैंने एकदम स्लो कर दिया और मैंने इसका ढक्कन ढका दिया है। तो हमें अभी अच्छे से इसे कुक कर लेना है, 8 to 10 minutes हमें अच्छे से कुक करना है लो फ्लेम पे। ठीक है, ये देखिए मैंने अभी इसकी ढक्कन अभी हटाई है मैंने, करीबन हमें इसे पकाते हुए 8 to 10 minutes हो चुके हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा पुलाव बन के रेडी है। ठीक है, चलिए मैं अभी इसे चेक कर लेती हूँ पहले। तो मैंने इसे अच्छे से चेक कर लिया, माशाल्लाह से हमारा पुलाव बन के रेडी हो गया है। चलिए हम इसे डिश आउट करके आपको बताते हैं, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। चलिए हम इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से चावल हमारा बहुत ही खुला छुट्टा बन के रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में हमने अच्छे मज़ेदार पुलाव बना लिया है। तो आप भी इसे घर में ट्राई कीजिए। ठीक है, और बताइए पुलाव की और भी अगर आपको रेसिपी चाहिए, बिकॉज़ पुलाव तो बहुत ही अलग अलग तरीके के बनते हैं। आपको और मेरी रेसिपी देखना है तो आप मुझे लाइक कीजिए, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। ठीक है, और दुआओं में याद रखिए। चलिए फिर चलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, और आती हूँ मैं अपनी नई वीडियोस के साथ। ओके, अस्सलाम वालेकुम।